लीवर को हेपेटाइटिस से ज्यादा शराब बर्बाद कर रही। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, लीवर को हेपेटाइटिस से ज्यादा शराब बर्बाद कर रही, इनके बारे में जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें एंड लास्ट तक बने रहें। लीवर को हेपेटाइटिस से ज्यादा उतना खतरा नहीं जितना शराब से है। एक स्टडी के मुताबिक लीवर के गंभीर रोगियों में हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रस्त केवल 16% है, जबकि शराब ने 36% लोगों के लीवर तबाह कर दिए। एक बार कॉर्निक लीवर डिजीज हुई तो पूरी तरह से स्वस्थ होने की संभावना कम ही रहती है। लगभग 2 साल तक चले अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष GSVM मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग ने निकाला है। अध्ययन दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2022 के बीच 200 कॉर्निक लीवर डिजीज के मरीजों पर किया गया, जो 18 से 60 साल के बीच के थे। स्टडी के परिणाम ने डॉक्टरों को भी चौंका दिया है। अभी तक यह मिथ, लेकिन अध्ययन में पता चला कि 76% गंभीर रोगियों को हेपेटाइटिस नहीं बल्कि शराब ने शिकार बनाया। स्टडी के अन्य निष्कर्ष, ट्राइग्लिसराइड और गुड कोलेस्ट्रॉल सभी में कम पाया गया। साथ ही LDL VLDL कोलेस्ट्रॉल भी मानक से कम रिकॉर्ड हुआ। परिणाम चेतावनी दे रहे हैं, ऐसे किया अध्ययन, इन मरीजों का चाइल्ड बुक स्कोर के साथ लिपिड सीरम प्रोफाइल तैयार किया गया। डाटा आकलन के लिए SPSS वर्जन 20.0 का सहारा लिया। जी स्क्वायर टेस्ट के साथ CTP स्कोरिंग भी की गई। किस उम्र में कितना खतरा? 18 से 30